हाय फ्रेंड्स, योर फ्रेंड परम। दोस्तों, आज के बदलते हुए लाइफस्टाइल और शहरों में बढ़ते हुए फ्लैट कल्चर की वजह से बहुत बार हम धूप लेने से वंचित रह जाते हैं, जिसकी वजह से अनेक मानसिक और शारीरिक बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। मगर दोस्तों, आप सुबह की 10 से 15 मिनट की धूप लेकर इन सभी बीमारियां या परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हो, क्योंकि यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा की यदि बात करें तो उसमें भी सूर्य चिकित्सा का बहुत बड़ा रोल है। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं ऐसे कौन से वो बड़े फ़ायदे हैं जो सुबह की धूप लेने से हमें मिलते हैं, और उसके बाद में हम बात करते हैं ऐसा कौन सा वो सही तरीका है यदि उसे अपनाएं हम सुबह की धूप लेते समय तो हमें डे वन से ही पहले ही दिन से अमेजिंग रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले बात हम फ़ायदों की करते हैं कि धूप लेने से हमें क्या लाभ है, क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर एक, यदि हम बात करते हैं दोस्तों, यदि आप सुबह की धूप लेते हैं तो इससे आप एक सर्दियों में होने वाले विशेष प्रकार के डिप्रेशन से अपने आप को बचा सकते हैं, या डिप्रेशन है तो ये सुबह की धूप आपको उसे ठीक करने में हेल्प करती है। डॉक्टर्स भी या साइकेट्रिस्ट भी जो पेशेंट्स हैं जिनको डिप्रेशन है, उनको सजेस्ट करते हैं सुबह की धूप लेने के लिए, क्योंकि ऐसे यदि आप करते हैं तो इससे आपके शरीर के अंदर एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन एक नेचुरल एंटी डिप्रेशेंट है। वो देश दोस्तों जहाँ पर आप देखते हैं कि सर्दियों में धूप नहीं निकलती है, अक्सर सूरज देखने के लिए नहीं मिलता है, वहाँ पर अधिकतर बिल्डिंग्स पर, पब्लिक प्लेसेस पर या घरों में भी लोग पीली लाइट, येलो लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इस तरह के डिप्रेशन से अपने आप को बचा सकें। दोस्तों, एक स्टडी से पता चलता है यदि आपको सुबह की धूप नहीं मिलती है तो इससे आपके अंदर हाई ब्लड प्रेशर की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सुबह की धूप से मिलने वाला तब आपके अंदर विटामिन डी मिलता है आपको, तो इससे आपका विटामिन डी या सुबह की धूप आप समझें तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आप सुबह की धूप लेते हैं तो ये आपके लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या स्किन कैंसर जैसी समस्याओं से आपको बचा करके रखती है। साथ ही यदि आपको किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम जैसे मुहासे, पिंपल्स, एक्ने या कोई फंगल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम है तो आप सुबह की धूप जरूर लें, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरियाज़ को किल करने की ताकत होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, सुबह की धूप आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, आपके डाइजेशन को बेहतर करती है। ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में, जिनको सुबह की धूप नहीं मिलती है उनके वेट बढ़ने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, वो फैट को ज़्यादा एक्यूमुलेट करते हैं, उनके अंदर चर्बी ज़्यादा रुकती है, जो धूप लेते हैं उनका वज़न नेचुरली कम होता है, स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है। इतना ही नहीं साथियों, यदि आप सुबह की धूप लेते हैं तो इससे आपके अंदर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है। सेरोटोनिन एक हैप्पी हार्मोन भी इसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से आप दिन में अपने आप में हैप्पी और एनर्जेटिक फील करते हैं। सुबह की धूप लेने से आपकी नींद रेगुलर होती है, आपको नींद अच्छी आती है। सुबह की धूप यदि आप लेते हैं तो आपको जॉन्डिस जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी हेल्प मिलती है। जिन बच्चों को जॉन्डिस या पीलिया जैसी प्रॉब्लम होती है उनको भी सुबह की धूप लेने का या दिखाने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। साथियों, ये तो थे कुछ एडवांटेजेस की बात। अब हम बात करते हैं कि सुबह की धूप लेने का ऐसा वो कौन सा तरीका है जो हमें डे वन से ही चमत्कारी लाभ देने वाला है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, करीब 15 मिनट्स को मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट 5 मिनट्स में हम बात करते हैं कि तब भी आप सुबह धूप लेने की बात करते हैं, यदि सर्दियाँ हैं तो आप वहाँ पर कोशिश करें कि आप 8 से 10 बजे के बीच उस धूप को लें, और यदि गर्मियाँ हैं तो 7 से 9 बजे के बीच आप इस अभ्यास को करें। आप कहीं पर भी जहाँ पर धूप आपको पूरी तरह से मिलती हो आप आराम से बैठ जाएँ, आप नीचे बैठ जाएँ या चेयर पर बैठ जाएँ। आप बैठने के बाद में आँखें बंद कर लें, और आँखें बंद करने के बाद में अपनी नाक से गहरी सांस लेना शुरू करें। वैसे सांस तो आप लेते ही हैं, मगर आपकी सांस आप अक्सर चेक करेंगे छोटी होगी, शैलो होगी। आप गहरी लंबी सांस लें, आपकी सांस आपके नेवल से नीचे तक पहुंचनी चाहिए। नाक से ही आपको सांस गहरा लंबा लेना है और नाक से ही आपको सांस छोड़ना है। आप धूप में बैठे हुए हैं, गहरी लंबी सांस आप नाक से ले रहे हैं, जितना गहरा हो उतना लें और धीरे धीरे आप उसको गहरा छोड़िएगा। गहरी लंबी सांस लीजिएगा और गहरी लंबी सांस छोड़िएगा। पहले 5 मिनट में आपको ये अभ्यास आँख बंद करके धूप में बैठ करके आपको करना है। डीप ब्रीदिंग के ऊपर दोस्तों इसी चैनल पर एक और वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको और बेहतर जानकारी डीप ब्रीदिंग के बारे में मिलेगी, जो अपने आप में बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स किसी भी आदमी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम से ओवरकम करने में देती है। आप उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट 5 मिनट्स में अभी हमने डिस्कस किया कि हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, नेक्स्ट 5 मिनट्स की हम बात करते हैं। आंखें हमारी बंद हैं, धूप में हम बैठे हुए हैं। आप अपनी नेक्स्ट 5 मिनट्स में अपनी अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस को देखना है। यहाँ पर ध्यान रहे, कोई विचार नहीं करना है, सिर्फ सांस को देखना है। सांस आपकी लंबी है, छोटी है, चाहे जैसी भी है, सिर्फ देखना है। दृष्टा भाव से आपको रिलैक्स्ड होकर के सिर्फ अपनी सांस को देखते रहना है। कोई किसी तरह का प्रयास नहीं करना है, कोई एफर्ट्स नहीं करने, कोई विचार नहीं लाना है। सिर्फ अंदर जाती हुई सांस को और बाहर आती हुई सांस को, जो नाक से अंदर जाती है और नाक से बाहर आती है दोस्तों, सिर्फ उसको देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। लगभग 5 मिनट्स तक आपको इस अभ्यास को करना है। अभी तक साथियों हम अपने 10 मिनट पूरे कर चुके हैं। बाद के 5 मिनट जो अपने आप में और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आंखें हमारी बंद हैं, अब हम बाद के 5 मिनट में केवल और केवल हम फील करेंगे। हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि सूर्य की किरणें आपके सर के ऊपरी हिस्से से आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर आती जा रही हैं और वो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। सूर्य की किरणें आपके सर के ऊपरी हिस्से से आपके शरीर में प्रवेश करती हैं और वो धीरे धीरे करके पूरे शरीर में आपके फैलती जाती हैं, फैलती जाती हैं, फैलती जाती हैं। वो हर बीमारी को, किसी भी तरह के बीमारी को, दुख को, दर्द को, जिससे आज आप परेशान हैं, उसको क्योर कर रही हैं, उसको ठीक करती हुई जा रही हैं। आप हील होते जा रहे हैं, आप किसी भी बीमारी से ठीक होते जा रहे हैं। सिर्फ आपको ऐसा सोचना है, ऐसा एहसास आपको रखना है। सूर्य की किरणें आपके सर के ऊपरी हिस्से से आपके अंदर प्रवेश करती हैं, वो किसी भी नेगेटिविटी को बाहर निकालती हैं, वो बाहर निकालती जा रही हैं। सूर्य की किरणें प्रवेश करती जा रही हैं, आपके नेगेटिविटी बाहर निकलती जा रही है, आपकी कोई भी बीमारी हील होती जा रही है। आप पूरी तरह से शारीरिक मानसिक रूप से हील होते जा रहे हैं, आपकी नेगेटिविटी बाहर होती जा रही है। ऐसे एहसास के साथ, ऐसी इमेजिनेशन के साथ में ऐसा आप सोचते रहेंगे। ऐसा सोचते सोचते आप बाद के 5 मिनट बिताएंगे, सूर्य की किरणें आपके शरीर को पूरी तरह से अंदर और बाहर से भर लेंगी और घेर लेंगी। इसके बाद यदि आपके पास समय है तो आप इसको 5 मिनट से ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, मगर इतना भी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी है। अब हम 15 मिनट में 3 तरह की प्रैक्टिस कर चुके हैं। पहले में हमने प्रैक्टिस की फ्रेंड्स डीप ब्रीदिंग की, दूसरे में हमने सिर्फ सांसों पर ध्यान दिया, तीसरे में हमने सूर्य के किरणों को अपने शरीर के अंदर बढ़ता हुआ देखा, जिससे हमारे शरीर को पूरी तरह से मेंटल और फिजिकल रूप से हीलिंग हुई, प्लस इसके साथ साथ हमारी किसी भी तरह की नेगेटिविटी हमारे शरीर से बाहर हुई। ये वो अभ्यास है साथियों, यदि आप इसको कल से ही करते हैं या आज से ही करते हैं, समय यदि उपयुक्त है, तो आप पाएंगे कि अपने अंदर एक ड्रेस्टिक चेंज आप फील करेंगे, बड़ा परिवर्तन आपको अपने अंदर दिखेगा। आप इसे करें, आपको परिवर्तन निश्चित आपको मिलेगा। किसी भी तरह का डिप्रेशन, किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल इश्यू आपको यदि आज है, तो आप अपने आप में बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे इसे करने के बाद में। आज यदि आप कहीं उलझ गए हैं, फंस गए हैं, तो इसे करने के बाद में आपको रास्ते खुले हुए मिलेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी का लेवल बढ़ा हुआ होगा और नेगेटिविटी आपकी किल होती चली जाएगी। आप इसे करें, आपको इससे निश्चित चमत्कारी लाभ मिलेंगे और अपने अनुभव कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मुझे पूरा भरोसा है कि वो सब पॉजिटिव ही होंगे। दोस्तों यदि आज की दी हुई जानकारी आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस चैनल पर मिलने वाली सभी वीडियोस आपको ऑलराउंड पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करती रहेंगी। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई विश यू अ हैप्पी, हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।